तो वाकई गणतंत्र दिवस का 71वां ये जो समारोह था वो अपने आप में अनूठा था। भारतीय सैन्य ताकत को लोगों ने देखा, थल सेना, वायु सेना और नभ। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से तीनों सेनाओं ने आज अपने पराक्रम का परिचय दिया, इसके साथ ही सांस्कृतिक विरासत के जरिए भारत की संस्कृति सहायक भी है हमारे नागरिकों के लिए। और हमने हर फील्ड में देखा है, चाहे वो समुन्द्र के अंदर कोई फंसा हुआ फिशरमैन हो, चाहे वो किसी चोटी के ऊपर कोई क्लाइंबर हो, हमारे जितने फौज के जवान हैं, जो पायलट हैं, जो हमारे नौसैनिक हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये एक जो लिंक हम बनाते हैं, साथ में उनकी सुरक्षा का अपने देश के अंदर भी कोई कैलमिटी के ऊपर, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारा एक देशभक्ति है जहाँ देश की तरफ हमारी ये कर्तव्य है, और ये हमारे जवान बड़े ही फख्र के साथ और बड़े ही जोश के साथ उसको निभाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। ये एक बिल्कुल अलग सी बात है। और एनडीआरएफ, जहाँ कोई और कहीं भी जरूरत पड़ती है, जब कोई सिविल डिस्टरबेंस होती है, जैसे मैं कहता हूं कि कश्मीर मनोरंजक काम किया है कि सभी के सभी लोग कश्मीर के अंदर और बाकी देश के भागों के अंदर हमारी जो जवान हैं, फौज है, आर्मी है, उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपनी आन बान समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कमोडोर जीजे सिंह साहब, और बहुत ही बारीक विश्लेषण आपका था, और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी जानकारियां थी जो हमारे दर्शकों को इस गणतंत्र के महत्व को बताने वाली थी। आपके इस मार्गदर्शन का, आपके इस समय का और गणतंत्र के इस महत्व पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।